नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको प्लांट बेस्ड सुपर फूड अलिम सीड यानी कि आलिव सीड यानी कि गार्डन क्रेस के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं, जिनका सेवन करने से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। वैसे तो आलिव सीड जो हैं बहुत छोटे होते हैं, पर इनके फायदे बहुत बड़े होते हैं। आज मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स बता रही हूँ, इनको आपको कैसे खाना है और इनको आपको इसमें क्या सावधानियां बरतनी है इसके लिए कि आपको कब इसको नहीं खाना है, ये सब बता रही हूँ। इसलिए मेरा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इसको आखिरी तक देखें, क्योंकि हलीम सीड खाने जो अगर आप ले रहे हैं तो इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो आखिरी में पता लगेगा। तो आप इसलिए इसको पूरा देखने के बाद ही आप हलीम सीड का प्रयोग करें। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। हलीम सीड क्या होते हैं? हलीम सीड जो है उसको आलिव सीड भी कहते हैं। ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं और इनके सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और इन सीड्स को हम गार्डन क्रेस भी बोलते हैं। और ये भगवान की दी हुई वो प्लांट बेस्ड सुपर फूड है जिसमें बहुत तरह की मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, जो हमारी बीमारियां उनको दूर करते हैं। हली सीड्स खान कैसे खाना चाहिए और इससे क्या बीमारियां दूर होती हैं, हम कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हलीम सीड में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड और डाइट्री फाइबर्स से की भरमार होती है। जैसे कि हलीम सीड्स को गार्डन क्रेस सीड्स भी बोलते हैं, इसका जो तेल है वो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ अल्फा लिनोलिक एसिड है, और इसका तेल जो है हलीम सीड्स का वो सर्व एज अल्टरनेट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 पुफा, एंड स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसका गार्डन क्रेस का जो ऑयल है ये एक एक्सीलेंट सोर्स है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो देखिए हलीम सीड्स का जो तेल है वो भी कितना फायदेमंद है। अब मैं आपको बताती हूँ हलीम सीड की न्यूट्रिशनल वैल्यू। एक टेबलस्पून हलीम सीड्स जो है जिनका वजन करीब 12 ग्राम होता है, उसमें कैलोरी होती है 55, कार्ब्स होते हैं 4 ग्राम, प्रोटीन होते हैं 3 ग्राम, फैट होता है 2.9 ग्राम और फाइबर होता है 0.09 ग्राम। तो ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। हलीम सीड्स खाने के फायदे बताती हूँ आपको। पहला फायदा ये, हलीम सीड अगर जिनको बाल गिर रहे हो, जिनके बालों की प्रॉब्लम है, बाल पतले हो रहे हो, बाल झड़ रहे हो या आप गंजे हो रहे हो, तो हलीम सीड को आप डाइट में जरूर इंक्लूड करें। जो एक फेमस एक डाइटिशियन है रजुता दिवाकर, उनके अनुसार अगर हलीम सीड को हम गर्म दूध के साथ पिए तो हमारे बालों की ग्रोथ पे जबरदस्त असर दिखेगा। इसलिए आप अपने डाइट में जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई बालों की प्रॉब्लम है तो इससे आपकी बाल की ग्रोथ पे जबरदस्त असर दिखेगा। जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है यानी कि खून में कमी है, हीमोग्लोबिन कम आता हो, उनके लिए तो ये हलीम सीड एक वरदान है। ये आपके रेड ब्लड सेल्स जो है उनका प्रोडक्शन बढ़ाता है, आपका जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि एक टेबल स्पून हलीम सीड में करीब 12 मिलीग्राम ऑफ आयरन है। इसलिए जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, वो अपने खाने में जरूर इसको इंक्लूड करें। हलीम सीड जो है आपको अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ये इसमें रिच प्रोटीन रिच होते हैं ये, तो उससे क्या होता है आपको जो भूख लगती है ना बार बार वो कम होती है, आपकी भूख कम होती है, साथ में ओवर ईटिंग कम होती है, और इसमें ये वेट मैनेजमेंट में आपको मदद करती है। और क्योंकि जो हलीम सीड है इसमें प्रोटीन ज्यादा है, तो प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है आपका मसल मास बढ़ता है और आपका जो फैट है वो कम होता है। तो इसलिए वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं तो हलीम सीड जरूर खाएं। अगर आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, रेगुलराइज करना है, कुछ इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो उसमें भी हलीम सीड का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके जो हार्मोन इम्बेलेंस है उसको ठीक करता है। इससे आपकी जो इरेगुलर पीरियड्स है उनकी प्रॉब्लम खत्म होती है। हलीम सीड
जिन बच्चों की हाइट लंबी नहीं हो रही है उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप हलीम सीड्स का आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी हाइट को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स को, इससे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। त्वचा के लिए भी यानी स्किन के लिए भी हलीम सीड बहुत लाभकारी है। इसके सेवन से स्किन में ग्लो आता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत से वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, जो त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो ये आपकी त्वचा को बहुत ही सुंदर और ग्लो करवाता है। ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी जो हलीम सीड है वो बहुत लाभकारी होते हैं, तो क्योंकि इसमें आयरन और प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको न्यूट्रिशन देता है और उनके दूध में भी वृद्धि होती है। तो इसलिए जो स्तनपान कराने वाली यानी ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। हलीम सीड इम्यूनिटी को भी बहुत बढ़ाता है, क्योंकि हलीम सीड में फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हलीम सीड में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी सर्दी, बुखार, जुकाम आदि को प्रिवेंट करती हैं। तो आजकल कोविड का जमाना है तो हलीम सीड खाने से आपकी इम्यूनिटी भी बहुत सही होती है। हलीम सीड जो है खाने से पेट की समस्याओं में भी बहुत लाभकारी है। इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, गैस की प्रॉब्लम हो समस्या जो है हल होती है, ब्लोटिंग है आपके अगर तो उसकी प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है जो उस वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और गैस की जो प्रॉब्लम है उसमें ये हेल्प कर। हलीम सीड जो है ये आपके जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क है उसको भी कम करता है। ये इसमें एंटी कार्सोजेनिक प्रॉपर्टी के कारण ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अगर हम रेगुलर लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर की भी संभावना जो आए दिन आजकल लेडीज को होती है उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। हलीम सीड खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल का स्तर भी कम होता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो अगर हलीम सीड का इंटेक करते हैं, उसको खाते हैं, तो उनका जो है एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। होता क्या है कि हलीम सीड में हलीम सीड्स हैं उसमें घुलनशील फाइबर होते हैं। हम इसको जो हलीम सीड को कैसे खाते हैं, इसको पानी में भिगो देते हैं, रात भर रखते हैं, दूसरे दिन ये जेल जैसा मुलायम हो जाता है और फिर उसको हम इसका सेवन करते हैं। तो ये जो घुलनशील फाइबर खाने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो रोज एक टीस्पून आप हलीम सीड का सेवन जरूर करें। हलीम सीड्स जो हैं ये बहुत ही लाभकारी हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। जिनको डायबिटीज है वो अगर हलीम सीड का यानी आलिव सीड यानी गार्डन क्रेस का अगर इस्तेमाल अपना भोजन में करते हैं तो उनकी डायबिटीज में काफी फर्क होता है। होता क्या है कि ये जो हलीम सीड है इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती हैं। इसलिए जिनको भी डायबिटीज से जो पीड़ित हैं वो अपने खाने में हलीम सीड का इस्तेमाल जरूर करें। हलीम सीड्स जो हैं बहुत इफेक्टिव हैं काय के लिए, ऑर्थोराइटिस पेशेंट के लिए। आजकल ऑर्थोराइटिस की प्रॉब्लम कॉमन डिजीज हो गई है। ज्यादातर लोगों को ये ऑर्थोराइटिस की प्रॉब्लम है यानी हड्डियों की प्रॉब्लम है। हड्डियां खिस के जो आपके जॉइंट्स हैं वो खिस चुके हैं, आपकी स्टिफनेस आ गई है इसमें बोन्स में, आपसे चला नहीं जाता, आपके पैरों में, घुटनों में, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए आलिव सीड यानी कि आलिव सीड बहुत ही फायदेमंद है। और अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको इन चीजों से छुटकारा भी पा सकते हैं। क्यों होता है ये इसलिए कि आलिव सीड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, और इसलिए ये जो हड्डियों की प्रॉब्लम जितने भी होती है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के वजह से होती है। तो अगर आप हलीम सीड का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो आपको ऑर्थोराइटिस की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बारी आती है कि हम हलीम सीड का सेवन कैसे करें। हलीम सीड की तासीर गर्म होती है इसलिए एक टेबलस्पून रिकमेंड होता है कि एक टेबलस्पून ही आप जो है
हलिम सीड का प्रयोग में लें, उसको पानी में भिगो दें और रात भर, और दूसरे दिन उसको आप इस्तेमाल में लें, चाहे तो जूस पी लें, चाहे तो उसको सूप और उसमें डाल के पी लें, और आप चाहे तो गर्म दूध के साथ भी इसको पी सकते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग हलीम सीड का प्रयोग में लेने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो शुरू में 1 ग्राम से 3 ग्राम के बीच इस्तेमाल करें और फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाएं। हलीम सीड की जैसे मैंने बताया कि तासीर गर्म होती है, तो आप 1 टेबल स्पून हलीम सीड से ज्यादा नहीं लें। 1 टेबल स्पून रिकमेंडेड है कि 1 टेबल स्पून ही हलीम सीड यूज में लें। सर्दियों में तो ठीक है, गर्मियों में 1 टीस्पून लें, जिसको 5 ग्राम के बराबर होता है, उसको 2 से 3 बार हफ्ते में इस्तेमाल करें, रोज इस्तेमाल नहीं करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप हलीम सीड को कैसे कैसे खा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको पहले एक टेबल स्पून या 1 टीस्पून, जैसे आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस हिसाब से, गर्म स्थान पर रह रहे हैं तो 1 टीस्पून, और अगर ठंडी जगह पर रह रहे हैं तो 1 टेबल स्पून। अगर आपने हलीम सीड लिया है तो रात को भिगोएं, दूसरे दिन वो जेल टाइप का हो जाता है, उसको इस्तेमाल करना। चाहे तो उस पानी में आप नींबू निचोड़ के और पी सकते हैं, और चाहे तो गर्म मिल्क, दो दूध होता है दूध में भी डाल के पी सकते हैं। हलीम सीड की खीर भी बहुत अच्छी बनती है, आप खीर भी बना सकते हैं। अगर आपको खीर की रेसिपी देखनी हो तो मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दे रखा है, तो आप उसमें जाके इसको बनाना सीख सकते हैं। आप इसको हलीम सीड को रोस्ट करके भी रख सकते हैं और उसको सलाद के ऊपर, दाल के ऊपर, सूप के ऊपर इसको डाल के खा सकते हैं। तो अगर आपको वैसे नहीं लेना है तो इनको रोस्ट करके और उसको दाल, सलाद या सूप में आप डाल के खा सकते हैं। हलीम सीड के लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं, आप नारियल के साथ इसके लड्डू बनाए। हलीम सीड के अगर आप लड्डू बनाते हैं तो इसमें नारियल और खजूर के साथ, तो ये 73 एक लड्डू में 73 कैलोरी होती है, तो जिनका वेट रिडक्शन जिनको करना है, उनका मीठे का भी मन होता है, तो हलीम सीड के लड्डू बनाएं और उसको खाएं। आप इसको जैसे मैंने बताया पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप हलीम सीड को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हलीम सीड का हलवा भी बना के, गेहूं के आटे में हलवा भी बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से आप हलीम सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ साइड इफेक्ट बताने वाली हूँ जो हलीम सीड का प्रयोग करने से हो सकते हैं, तो आपको कब हलीम सीड नहीं लेना वो बताने जा रही हूँ। यदि आप हलीम सीड को अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, यदि आपको यह हलीम सीड सूट नहीं हो तो आप इसको इमीडिएटली बंद कर दें, इसको नहीं लें। यदि आपको पोटेशियम डेफिशिएंसी है तो आपको हलीम सीड का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हलीम सीड जो है उसको, ये आपके जो पोटेशियम को फ्लश आउट करता है आपकी बॉडी से, ये कहा जाता है कि ये फ्लश आउट करता है। तो आपको उस समय, आपको अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम डेफिशिएंसी है तो आपको नहीं लेना है। तो और इसके अलावा आपको अगर लो ब्लड प्रेशर की, जो आपका जो ब्लड प्रेशर है ये लोअर करता है, ये हलीम सीड का अगर प्रयोग करते हैं तो ये कैन लोअर द योर ब्लड प्रेशर। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम है तो भी आपको नहीं लेना है। और हलीम सीड जैसे मैं बता रही हूँ कि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो बहुत अधिक हलीम सीड का उपयोग नहीं करना है। आप ये नहीं सोचें कि हलीम सीड खा लेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं, इसकी तासीर गर्म होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको हलीम सीड का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि गर्मी में 2 से 3 बार आपको हफ्ते में 1 टीस्पून यानी 5 ग्राम हलीम सीड का सेवन कर सकते हैं, और जहां सर्दी है या आप सर्दी के दिनों में आप रोज 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप हलीम सीड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं वापस बता दूं, जहां जो लोग गर्म स्थान पर रह रहे हैं वो हलीम सीड का प्रयोग हफ्ते में 2 से 3 बार सिर्फ 1 टीस्पून यानी 5 ग्राम करें, और जो लोग सर्द जगह पर रह रहे हैं जहां सर्दी है, ठंड है, ज्यादा ठंड है, तो 1 टेबलस्पून के करीब आप ले सकते हैं, और नॉर्मल सी ठंड लग है तो 1 टीस्पून रोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं हलीम सीड का। इसके साथ एक और बात है कि अगर आप हलीम सीड खाने में ले रहे हैं तो खट्टी चीज को भी जरूर इस्तेमाल करें, जिससे क्या आपको विटामिन सी मिले। अन्यथा क्या होता है, आपके शरीर में जो हलीम सीड से जो आयरन है वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप अपने खाने में
खट्टी चीज का भी इस्तेमाल करें। तो आपको फिर बता दूं, हलीम सीड का वैसे तो बहुत लाभकारी है जैसे मैंने बताया, पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुरुआत में धीरे धीरे करें, ज्यादा क्वांटिटी नहीं करें, 2 से 3 ग्राम के करीब इस्तेमाल करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। और मौसम का जो बहुत ज्यादा इसमें वो इफेक्ट होता है, अगर आप यदि आप गर्म स्थान पर रह रहे हैं तो हलीम सीड का प्रयोग आप जो 1 टीस्पून या उससे कम सिर्फ 2 या 3 दिन हफ्ते में करें, वो भी आप अपने को देखते रहें कि आपके बॉडी में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। और गर्म, अगर आप सर्द जगह पर रह रहे हैं यानी बिल्कुल ठंडी जगह पर रह रहे हैं तो रोज 1 टेबलस्पून के करीब ले सकते हैं, और नॉर्मल सर्दी है आपके वहां तो 1 टीस्पून से लेके 1 टेबलस्पून के बीच में आप रोज ले सकते हैं। इसलिए हलीम सीड का प्रयोग आपको जैसे बता दिया मैंने, अगर लो ब्लड प्रेशर है, आपके पोटेशियम डेफिशिएंसी है तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और ध्यान रखें कि इन चीज जो साइड इफेक्ट्स को आप जरूर ध्यान में रख के हलीम सीड का प्रयोग करें, बहुत लाभकारी है। चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शब्बक है, नमस्ते। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके, जब तक के लिए शब्बक है, बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।